बुकिंग आ रही है हमारे में लखनऊ की, अब देखते हैं फेक है कि ओरिजिनल है। देखो कितनी कम जगह हम लोग गाड़ी देखो निकालेंगे, देखना भाई। एयरपोर्ट के पास बच्चों से धक्का दिलवाया था भाई, मैंने गाड़ी नहीं बंद की, रिस्क नहीं लिया भाई, कहीं बंद हो गई तो क्या करूंगा। हेलो, राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते कि आप सब लोग अच्छे होंगे भाई। सुबह के बज रहे हैं 8:30, कल निकले थे 12 बजे। कल भाई काम हुआ नहीं था अपना ढंग का, फिर भी 1500 का हो गया था, कोई बात नहीं। कल के तो वैसे भी संडे था, समझ लिया छुट्टी था, आज भाई मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए खा पी के नहा धो के आराम से 8:30 बजे निकल लिए हैं। पूरा दिन का समय है भाई, कहीं ना कहीं की आउट की हमारी लगी जाएगी, और एक भी अगर आउट की लग गई भाई या इंटरसिटी ऊपर में आ गई तो फिर हमारा सिस्टम अच्छे से बन जाएगा। अभी एकदम घर से निकले हैं, पहुंचे हैं सिंहपुर, ये रुद्रा अपार्टमेंट सामने पड़ता है, ये देखो इसी के पास में है। और सीधा यहाँ से हम जा रहे हैं इंदिरा नगर की तरफ, अपने अड्डे की तरफ, उधर ही कहीं सही जगह देख के खड़े होंगे भाई, और फिर करेंगे बुकिंग का वेट। कल का बता दें भाई, आनंदेश्वर गए थे, मजा आ गया भाई, मेला वगैरह लगा था, भंडारा था, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। कलयुग में समझ लो अश्वत्थामा आते हैं वहां पे जो है रात में फूल और जल चढ़ाने, ऐसे मंदिर गए थे। बहुत भीड़ थी, जबकि कानपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हटके है भाई सिराजपुर के पास में। यही मंदिर कहीं कानपुर नगर में होता भाई तो समझ लो कितनी जनता जाती, कितने लोग जाते। मंदिर दूर होने की वजह से बहुत से लोग भाई नहीं जा पाते होंगे, समय नहीं है, फिर वहाँ इतनी दूर जाने पे किराया भाड़ा समय सब चीज चाहिए, कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं, और जिनमें बड़ी श्रद्धा होती भाई वो लोग जाते हैं। चलो आज भाई सावन का सोमवार है तो सभी को हार्दिक बधाई भाई, बस कुछ ही सोमवार हो बचे हैं, एक या दो जो भी हो, उसके बाद सावन खत्म हो जाएगा, दिन हमारे फिर भी वैसे ही रहेंगे नवरात्र तक। हालांकि रक्षाबंधन में थोड़ा सा काम उठेगा, लेकिन बस वो 2-4 दिन का काम रहेगा त्योहार की वजह से, 2 दिन पहले से लगा के 2 दिन बाद तक ही काम रहेगा, उसके बाद फिर ऐसे ही दिन आ जाएंगे सन्नाटा वाले। और फिर जब सालग आ जाएगी नवरात्र के बाद में भाई, फिर हमें आउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोकल में भी हम लोग इतना काम कर सकते हैं, इतना काम आएगा कि आउट नहीं भी जाएंगे तब भी 2000 रुपए आराम से घर बचा के ले जाएंगे, जैसा कि अभी का टारगेट बना रखा है। तो भाई चलते हैं वहां पे अपने अड्डे पे, उसके बाद दिखाता हूं आपको कुछ अच्छा सा व्यू, तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। जो भी हमारे इस चैनल पे भाई नया भाई हमारा जुड़ा हुआ हो तो प्लीज उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को भाई सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो उसको उसके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है भाई चलते हैं देर ना करते हुए, ये कुछ इस तरह का अपना रोड है, और सुबह सुबह भाई डीपीएस की इतनी बसें हैं, गौरव की हैं, डीपीएस की हैं, कि भाई इधर से निकलना मुश्किल कर देती हैं। बुकिंग आ रही है हमारे में लखनऊ की, अब देखते हैं फेक है कि ओरिजिनल है, फेक होगी तो अभी कैंसिल हो जाएगी और ओरिजिनल होगी तो भाई ये टिक जाएगी। अभी तो देखो रुकी हुई है अब्दुल कानपुर, 9:30 बजे की है भाई, इंदिरा नगर से ये अब्दुल, यार यहाँ मोहंडन तो भाई रहते नहीं इसलिए हमको ये फेंक लग रही है, बकाया देखते हैं भाई क्योंकि यहाँ पे जो है फेक बुकिंग भाई बहुत बचती है। अब देखते हैं जाएंगे कहाँ, दूरी वगैरह क्या है इनकी। अब्दुल कानपुर मोहंडन यहाँ रहते नहीं भाई, ये मोहंडन के नाम से आ रही है। अरे ये देखो अभी बुकिंग आई है, अब्दुल यहाँ रहते नहीं, अब्दुल के नाम यार कैसे आ सकती है इंदिरा नगर से, 95 गोखले मार्ग, पता नहीं लखनऊ में कहाँ जाएगा, 1816 रुपये दिखा रहा है। चलो हाँ तो भाई बता दें रियल बुकिंग है, कानपुर से लखनऊ जाना 95 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है, इंदिरा नगर से जाना है। अब भाई कस्टमर के यहाँ खड़े हैं ये पिकअप के लिए, ये वाला घर है, अब यहाँ से ले जाके कस्टमर को ड्रॉप करेंगे, फिर बताएंगे कितना क्या फेयर बना है और गाड़ी हमारी कितनी चली। देखो हमारे घर से अभी तक जो है लगभग 6.9 लगभग 7 किलोमीटर चलने वाली है गाड़ी, ठीक है, और घर से 0 करके चलते हैं, घर तक कितना चलती है पूरा निकालते। कुछ लोग पूछते हैं भाई हमारे ब्लॉग में कि भाई माइलेज क्या देती है,
तो भाई लोकल में 20 का हाईवे 25 का माइलेज आराम से निकाल देती है, जो कि डिजायर गाड़ी है। जो नई वाली गाड़ी आई हुई है वो तो सुना है और भी अच्छा माइलेज निकालती है, हमारा तो ओल्ड मॉडल है डिजायर का। तो आप लोग देख लीजिए आपकी गाड़ी क्या माइलेज निकालती है, अगर 25 का निकालती है तो सही है, 25 प्लस ही हो जाता है भाई अगर हाईवे बढ़िया है तो। अब लखनऊ वगैरह जाने में क्या है, बहुत ज्यादा जाम वगैरह मिलता है, तो एक टंकी में आना जाना हमारा हो जाता है। तो चलिए ठीक है, कस्टमर को पिक करने के बाद सीधा निकलते हैं यहाँ से, और वहां पहुंचने के बाद फिर आपको बताते हैं अपडेट वहां का, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो भैया आ गए लखनऊ में, ये देखो ओला की राइड थी, मिनी की थी, ये हमको एक राइड में 1465 रुपए दिए हैं दैनिक भत्ता मिला के, और हम भाई खड़े हैं लखनऊ में। अब देखते हैं इधर से कितनी बजे राइड आती है, कहाँ की आती है कहाँ की नहीं आती है। टैगोर मार्ग, हाँ टैगोर मार्ग पे खड़े हैं, बड़े बड़े ऑफिस यहाँ बने हुए हैं। देखते हैं आज कितनी देर बाद बजेगी। ये देखो इस तरह का है नजारा, बड़ा सा ऑफिस है ये, ओम डेंटल केयर। ये देखो भाई एक चीज फूटे बदली इनको बोलते हैं भाई। हाँ तो भैया आ गए हैं वापस कानपुर, हमें राइड मिल गई थी ऑलरेडी 6-7 बुकिंग कैंसिल होने के बाद भाई। वहां से कैंसिल होते 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 भाई एयरपोर्ट पे आ गए थे, फिर सरोजनी नगर से बजी भाई तो लेके आए पनकी, गंगागंज लाके ड्रॉप किए हैं भाई, और 2870 रुपए मतलब 2900 रुपए जोड़ मोटा मोटी, 10-20 रुपए कम तो कोई बात नहीं, 2900 रुपए 900 रुपए जो है हमारा ये मान के चलो ईंधन खर्च जो कि सीएनजी का, और 2000 रुपए की बचत हो गई जैसे कि रोज का हमारा टारगेट था। तो कुल मिला के आज का हमारा हिसाब किताब सही रहा भाई, और गाड़ी भी कोई ज्यादा नहीं चली है, देख लो भाई हम आपको दिखा देते हैं, ये देखो 223 किलोमीटर गाड़ी चली है, तो इतना कोई ज्यादा चलना कोई ज्यादा नहीं होती है, ये देखो। और टाइम भी देख लो 8 बजने वाला कोई ज्यादा टाइम भी नहीं है, सीएनजी भी आधी बची हुई, हालांकि रास्ते हमने डलवाई थी लेकिन क्या कि उसमें जो है प्रेशर नहीं था भाई, तो इस वजह से जो है पूरी सीएनजी फुल नहीं हो पाई थी, कुछ कम रही थी लगभग 490 रुपए की आई थी वही लगभग 4-5 किलो। तो भाई देर न करते हुए सीधा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब हो गई रात, दूसरा चक्कर तो कोई मतलब बनता नहीं भाई, और गाड़ी भी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, हमने बैटरी डलवाई थी भाई तो वो बैटरी कर रही है प्रॉब्लम, 30 महीने की गारंटी थी और क्या कहते हैं 25 महीने की वारंटी थी, टोटल 55 महीने की थी, वो भी हमारे बैटरी को हुए हैं 11-12 महीने, समय भी कोई ज्यादा नहीं हुआ है। तो भाई उससे बात की है दुकानदार से, तो बोला ठीक है भैया आज मत आइएगा कल मत आइए, क्योंकि कल है 15 अगस्त, आज है 14 अगस्त, आज हमारी दुकान बंद है तो सोमवार का दिन है बंदी रखते हैं, कल मत आइएगा क्योंकि 15 अगस्त से छुट्टी रहेगी, परसों आइएगा। हाँ तो भाइयों बता दें, दुकान वाले ने तो बताया भैया परसों आना, लेकिन गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल है यार, क्योंकि हम तो सीट पे बैठ जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं भैया धक्का लगा दो धक्का लगा दो, अपने आप को भी बुरा लगता है यार, और कई बार धक्का लगाने में नहीं मिलते हैं शहर वगैरह में, गांव वगैरह में तो लोग खैर फ्रेंडली होते हैं थोड़ा सा, तो हम भी गांव के हैं तो थोड़ा घुल मिल जाते हैं, बोलते हैं भैया रिक्वेस्ट करते हैं तो मान जाते हैं, वो शहर में किसी के पास इतना समय है नहीं भाई। आज कई बार तो हमने ये भी कहा भाई चाय पिला देंगे धक्का लगा दो, रिक्शे वाले नहीं तैयार हुए भाई, दो ही रिक्शा वाले थे भाई, दोनों बोला भाई 10-10 रुपए दूंगा धक्का लगा दो, तो भाई धक्का लगाया उन लोगों ने, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, गाड़ी भाई स्टार्ट ही रही अभी क्रॉसिंग पीछे बंद थी, लगभग 15 मिनट गाड़ी मैं स्टार्ट खड़ी करके रखा हूँ, गाड़ी कहीं नहीं बंद किया हूँ, बंद करूंगा तो पता नहीं चालू होगी नहीं चालू होगी सेल्फ से, फिर वही दिक्कत धक्का लगवाओ, और जाम वगैरह में तो बहुत दिक्कत है, कोई धक्का लगाने वाला भी नहीं मिला, पीछे वाले सब गाली भी देंगे यार, तो अपने आप को भी बुरा लगता है। ठीक है सीएनजी जल रही जलने दे भाई, कंटिन्यू स्टार्ट रहने दो, तो कुछ इस तरह का है भाई। अब कल देखो अब गाड़ी किसी न किसी तरीके सही कराएंगे ही, सोच रहा अभी जाके जो है थोड़ा सा नक्के वगैरह साफ करा दे, गर्म पानी डलवा दे, रेख माल मरवा दे, शायद चल जाए तो ठीक है,
ये देखो भाई हमके हमारे यहाँ पनकी का जो है पनकी नारिया की ये जो है फ्लाईओवर बन रहा है और कुछ इस तरह का हाल है, बहुत बुरा हाल है। जो कितनी कम जगह हम लोग गाड़ी देखो निकालेंगे, देखना भाई हम क्या सभी गाड़ी वाले इतने में ही निकाल रहे हैं। और इधर दुकानें लगी हुई हैं, इधर टीन सेट पड़ा हुआ है, जरा सा भी हाथ इधर उधर हुआ भाई तो दिक्कत वाली बात है। स्क्रैच तो गाड़ी में आने तय ही है भाई। ये देखो आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं, अब फिलहाल वीडियो कर लेते हैं बंद भाई, नहीं तो कहीं जरा सा भी स्क्रैच लग गया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा भाई। तो ठीक है बनाते हैं फिर इसको निकालने के बाद भाई। हाँ तो भैया बताते चले आपको, एयरपोर्ट के पास बच्चों से धक्का दिलवाया था भाई। गाड़ी अभी सीएनजी डलवाए तो बंद किए थे, सीएनजी डलवाने तुरंत स्टार्ट किया भाई, स्टार्ट हो गई और फिर सीधा दाबे हुए चले क्रॉसिंग पे। क्रॉसिंग दो ट्रेनें निकल गई, 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही लेकिन मैंने गाड़ी नहीं बंद की, रिस्क नहीं लिया भाई कि कहीं बंद हो गई तो क्या करूंगा। अब रास्ते फिर भी यही है कि भाई अब बंद में नहीं करनी है क्योंकि अब रात का समय, धक्का लगाने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो ठीक है भाई, कल अपना 15 अगस्त एडवांस में सबको भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी 15 अगस्त भाई। और कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओके, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय।